पंचकुला सेक्टर 5 में प्रदेश के हजारों ग्रामीण सफाई कर्मियों ने 24 घंटे के लिए महापड़ाव डाला है। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा के आह्वान पर पिछले 50 दिन से आंदोलन कर रही है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने बताया कि मांगों को लेकर हजारों ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने पंचकुला सेक्टर 5 में 24 घंटे के लिए महापड़ाव शुरू किया है। महापड़ाव की अध्यक्षता देवी राम द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द मांगों का समाधान करे, अन्यथा आगामी समय में खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी मानदेय पर काम करते हुए पिछले 17 साल के शोषण की मार झेल रहे हैं। ये कर्मचारी जब अपने हकों और मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं तो सरकार आंदोलनकारियों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हुए आंदोलनकारियों से वार्ता न करके कर्मचारियों की आवाज़ को ही दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सफाई का काम करने वाले 100% दलित समुदाय से आने वाला तबका है। इन दलित सफाई कर्मियों की भावनाओं के साथ खेलते हुए 2014 और 2019 में भाजपा ने वोट तो ले लिया, लेकिन पक्का करने का वादा आज तक पूरा नहीं किया और ना ही सम्मान वेतन देने की गारंटी को लागू किया। यूनियन नेताओं ने कहा कि कोरोना काल में जब कोई भी घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था, तब भी सफाई कर्मियों ने अपने जीवन की परवाह किए बिना समाज की सेवा की और कोरोना से मौत होने वालों का अंतिम संस्कार तक किया। उस समय सरकार ने कोरोना योद्धा बताकर फूल बरसाए और आज इनके साथ वार्ता करने में भी अपनी तौहीन समझती है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार की हठ धर्मिता इतनी गहरी है कि आज तक भी पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली और मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सफाई कर्मियों के साथ बातचीत करने के लिए समय नहीं है। सर, आपने महापड़ाव पंचकुला के सेक्टर 5 में कल से डाला हुआ है, क्या मुख्य मांगे और किस बैनर के नीचे ये महापड़ाव यहाँ पे आयोजित किया गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम वीरबान सिंह दिखोली, ग्रामीण सफाई कर्मचारी संबंध सीआरटी का मैं राज्य का सचिव। देखिए मैडम, हम आज 51वां दिन हड़ताल पे हैं और 17 साल की जो नौकरी है हमारी कच्ची है। हम पक्की नौकरी मांगने के लिए बार बार प्रदर्शन कर चुके हैं। हरियाणा प्रदेश में कुछ कुछ कर चुके हैं, करनाल में, सीएमसीटी में, पंचकुला में, झज्जर में, टोहाना में, लेकिन सरकार कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और कोई हमारी बड़ी मांग नहीं है। हम ना तो सरकारी में हिस्सेदारी मांगते और ना कोई गाड़ी बंगला मांगते, जो ये केवल और केवल ग्रामीण सफाई क्रम से काम उसके दाम मांगते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 2008 में 1,08,000 कर्मचारी लगे, वो 2 साल के बाद पक्का किया गया था। सर, एक तो अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नवाजा राम है और कच्छल जिले का मैं ग्रामीण सफाई कर्मचारी का प्रधान हूँ। आज ये प्रोटेस्ट किया है, महापड़ाव आपने यहाँ पे रखा है, किन मांगों को लेकर ये पड़ाव यहाँ पर सरकार के विरुद्ध आपने किया है? देखिए, 17 साल हो गए ग्रामीण सफाई कर्मचारी ने लगे हुए, आज तक पहले सवाल तो है कच्चा क्यों है। हमारी मांग है हरियाणा सरकार से, काम बहुत बड़ा है। हरियाणा सरकार की जो नीति है, केंद्र की नीति है, स्वच्छता अभियान का नारा देती है, प्रधानमंत्री पैर धो के सफाई कर्मचारी को सम्मानित करता है, लेकिन असलियत में जमीन पर रह के ये काम करना होता है, उसमें सरकार फैल रही है।